हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे होंगे। टेक्निकल सिस्टर इन्फो की इस नई वीडियो में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते चले PSL के मैचेस की, जो कि बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं। और जो है PSL ये जो मैचेस हैं, ये बड़े दिलचस्प मुकाबले जो है इसमें होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो आज की बात करें कि आज जो है PSL में कौन सा मैच खेला गया। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच था, जो कि था बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की टीमों के दरमियान, जिसकी क़यादत जो है बाबर आजम और रिजवान जो है अपनी अपनी टीमों की क़यादत कर रहे थे। और बाबर आजम क़यादत कर रहे थे पिशावर जलमी की, और जो है मुल्तान सुल्तान के कप्तान थे मोहम्मद रिजवान। तो इन दोनों टीम्स के दरमियान जो है आज ये क्लैश था पिशावर जलमी और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान। और ये मुकाबला जो था वो काबिले दीद था, क्योंकि दोनों ही जो है बेहतरीन खिलाड़ी हैं इस वक्त पाकिस्तानी कौमी टीम के। और जो है दोनों की टीम में बड़ा ही सख्त मुकाबला जो है आज हमें देखने को मिलना था, और उसकी उम्मीद भी बहुत ही ज़्यादा थी फ्रेंड्स। तो ये मुकाबला हुआ भी कुछ ऐसा ही जैसे किसी तवक्को की जा रही थी, क्योंकि दोनों ही टीम्स में जो है बड़े शानदार प्लेयर्स मौजूद हैं। खासतौर पर अगर बात करें कप्तानी की, तो एक जो है पाकिस्तान के सबक कप्तान बाबर आजम, जो कि पिशावर जलमी के कप्तान हैं, और जो है पाकिस्तान के एक वाइस कैप्टन जो रह चुके हैं मोहम्मद रिजवान, वो जो है मुल्तान सुल्तान की क्यादत कर रहे थे। फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला है हमें आज के इस मैच में। और जो है इस मैच में अभी तक क्या कुछ हुआ है, और जो है कौन सी टीम ने फतह से मिट्टी है, और जो है बात करेंगे ये इस मैच में कौन से प्लेयर्स ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो चलिए चलते हैं स्कोर कार्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि इस मैच में अभी तक क्या कुछ हुआ है और जो है कौन। तो फ्रेंड्स, आज के इस मैच में जो है जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मैच था पिशावर जलमी और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान, ये मैच खेला जा रहा था मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में। तो इस मैच में जो है पिशावर जलमी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो कि पिच को देख कर किया गया था और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अंदाज़ा लगाया गया था वहाँ की कंडीशंस का। और जो है बाबर आजम का जो फैसला था वो बहुत ही हद तक जो है उनके हक में जाता हुआ हमें नज़र आया। स्टार्टिंग में पिशावर जलमी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जबकि साइम अयूब जो थे वो जल्दी आउट हो गए। इसके बाद बात करें मोहम्मद हारिस की, इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता थी, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं चल सके। और साथ साथ जो है खास तौर पर कप्तान बाबर आजम, जो कि पिछले दोनों मैचेस में 50 स्कोर कर चुके थे, आज के इस मैच में बड़ा कुछ नहीं कर सके, और जो है वो जल्दी 30s में ही आउट होकर पवेलियन वापस चले गए, जिसके बाद जो था पेशावर जलमी का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। लेकिन जो है आखिरी ओवर जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आया और बहुत ही महंगा ओवर रहा वो मुल्तान सुल्तान के लिए, जबकि अब्बास आफरीदी को बहुत ही ज़्यादा मार पड़ी है आखिरी ओवर में, जो कि पिछले PSL के सुपर हीरो रह चुके हैं। और इसी बेस पे जो है वो कौमी टीम में आए थे, इमर्जिंग प्लेयर निकल के आए थे पिछले PSL से, और इस साल भी इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। लेकिन आज के इस मैच में जो है बहुत ही ज़्यादा मार पड़ी है अब्बास आफरीदी को आखिरी ओवर में, जिसकी वजह से पिशावर जलमी की टीम जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त टोटल तक पहुँचने में कामयाब हो गई। तो बात करेंगे इस मैच में जो है पिशावर जलमी के प्लेयर्स ने कैसी परफॉर्मेंस पेश की है। तो उनके बैट्समैन की अगर बात करें तो हसीबुल्ला खान, जिन्होंने जो है 18 गेंदों पर 37 रन बनाए, तो इतने बड़े बड़े स्कोर्स नहीं बनाए गए इंफरादी तौर पर, लेकिन जो है अगर हम बात करें सबकी मुश्तरका कारकर्दगी की, तो सबके मिलाकर जो है वो इतना बन गया था स्कोर के पिशावर जलमी जो थी वो एक रीजनेबल टोटल तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। बात करेंगे बाबर आजम की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो आज के इस मैच में कुछ बड़ा नहीं कर सके, 26 गेंदों पर 31 रन बनाने के बाद जो है वो बोल्ड हो गए थे। रोमन पावल, जिन्होंने जो है बहुत अच्छा खेला हो के वो भी बड़ा स्कोर नहीं कर सके इस मैच में, लेकिन जो है 11 गेंदों का सामना किया, 23 रन की बहुत ही ज़बरदस्त एक छोटी लेकिन मगर स्ट्रॉन्ग इनिंग उन्होंने खेली आज के इस मैच में। फ्रेंड, इस तरीके से अपने इन टॉप स्कोरर्स की बदौलत पिशावर जलमी की टीम में मुकर करता 20 ओवर्स में 179 रन बनाने में कामयाब हो गई, और उस दौरान की 8 विकेटें गिरी, से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वक्तन फवक्तन जो है उनकी विकेटें गिरती रहीं। यही वजह थी कि जो है वो उनकी तरफ से कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं था जो कि 50 भी क्रॉस कर, जिसने 50 क्रॉस की हो, लेकिन जो है पिशावर जलमी की टीम ने एक अच्छा टोटल फिर भी स्कोरबोर्ड पर लगा दिया, जिसकी वजह से मोहम्मद रिजवान की परेशानी जो थी वो साफ उनके चेहरे से वाज तौर पर देखी जा सकती थी, क्योंकि जो है आखिरी ओवर में उनके प्लेयर ने बहुत ज़्यादा रन खा लिए थे। बात करेंगे बॉलर्स की, मुल्तान सुल्तान की, तो उनकी तरफ से मोहम्मद अली, जो कि अभी तक जो है ओवरऑल आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं बॉलिंग से, आज इस मैच में 2 विकेट उन्होंने लिए हैं, 4 ओवर्स कराए 23 रन दिए। डेविड विली, जो कि बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए नजर आते हैं, फॉर्म में है, 4 ओवर्स कराए 28 रन दिए, 2 विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए। उसाम आमिर, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा उमदा बॉलिंग की आज के इस मैच में, और बड़े बड़े प्लेयर्स जो है उन्होंने टारगेट किए, बड़ी मछलियां जाल में फंसाई, बाबर आजम को उन्होंने आउट किया, 4 ओवर्स कराए 36 रन दिए, 2 विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए। फ्रेंड्स, इस तरीके से आज के इस मैच में मुल्तान सुल्तान को जीतने के लिए 180 रन का टारगेट मिला, जो कि इतना मुश्किल टारगेट नहीं था, क्योंकि अगर उनके प्लेयर्स को हम देखें तो अच्छी टीम जो है खिलाई जा सकती है। पिछले साल के रनर्स अप रह चुके हैं मुल्तान सुल्तान की टीम के, जो मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो रनर्स अप रह चुकी है पिछले साल की। तो आज के
इस मैच में भी उनके लिए 180 का टारगेट बनाना इतना नामुमकिन नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करें उनके कप्तान की, मोहम्मद रिजवान, जो इनके कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज के इस मैच में वो जो है बड़ा स्कोर नहीं बना सके, जल्दी आउट हो गए। तो मुल्तान सुल्तान की टीम जो है जब मैदान में उतरी थी तो उसी टाइम से जो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ये नहीं लग रहा था कि वो जो है कुछ बड़े पैशन के साथ मैदान में उतरे हैं। तो बात करेंगे उनके टॉप स्कोरर्स की, तो उनकी तरफ से डेविड मिलान, जिन्होंने 50 जरूर स्कोर की, एक अच्छी इनिंग्स खेलने में कामयाब हो गए। 25 गेंदों का सामना किया, 52 रन बनाए डेविड मिलान ने। यासर खान जिन्होंने जो है उमदा परफॉर्मेंस पेश की, बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए आज के इस मैच में, लेकिन जो है वो कुछ ज्यादा आगे तक लेकर नहीं जा सके अपनी इनिंग्स को। 37 गेंदों का सामना किया, 43 रन बनाए। रीजा हेंड्रिक्स जो कि हर मैच में जो है अभी तक जितने मैचेस खेले हैं मुल्तान सुल्तान की टीम ने बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए हैं, लेकिन आज के इस मैच में जब मुल्तान सुल्तान को उनके रन की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो रीजा हेंड्रिक्स जो है वो जवाब देकर चले गए। 27 गेंदों पर 28 रन बनाए, इतना ज्यादा शानदार स्ट्राइक रेट भी नहीं रहा और जो है बड़ा स्कोर भी नहीं बना सके। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है मुल्तान सुल्तान की टीम वो आज के इस मैच में जो है शिकस्त उनका मुकद्दर बनी है और वो फतह हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। तो फ्रेंड्स पेशावर ज़ल्मी हो आज के इस मैच में जो है 5 रन से कामयाब, तो इफ्तिखार अहमद थे जब आउट हुए तो उसके बाद जो है मुल्तान सुल्तान की टीम जो थी वो उनको जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि इफ्तिखार अहमद ही थे वो जो हार्ड हिटर है मुल्तान सुल्तान के बैट्स प्लेयर्स में उनका शुमार होता है, और जो है इस मैच में जो है वो फतह दिला सकते थे अपनी टीम को, लेकिन जो है मौके पर वो आउट हो गए। बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की, तो अच्छी बॉलिंग की गई पेशावर ज़ल्मी की जानब से, गो के मुल्तान सुल्तान ने उनका पूरा डट के मुकाबला ज़रूर किया, लेकिन जो है फिर भी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। तो बात करेंगे जब पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की, तो जिससे आरिफ याकूब जिन्होंने 4 ओवर्स कराए 43 रन दिए, 3 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। लुक वुड की अगर बात करें 4 ओवर्स कराए 13 रन दिए, 2 विकेट हासिल कर सके। सलमान इरशाद की अगर बात करें तो उन्होंने 4 ओवर्स कराए 39 रन दिए, 2 विकेट हासिल करने में कामयाब हो गए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज के इस मैच में पेशावर ज़ल्मी ने फतह समेट ली है और यह मैच जो है 5 रन से जीतकर अपने नाम कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।